सिसोदिया जी हो या केजरीवाल जी हो, अपना हार का ठिकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ेंगे, मोदी जी पर फोड़ेंगे, दिल्ली की जनता को दोष देंगे, इसके बजाय उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जिस पार्टी को दिल्ली ने 67 सीटें दी थी 70 में से, जिस पार्टी 272 में से 250 वार्डों में जीत दिलाई थी, जिस पार्टी को लोगों ने 51% वोट दिलाए थे, ऐसे पार्टी को दिल्ली ने क्यों नकारा है ये उनको सोचना चाहिए। उनमें बिखराव क्यों आया, उनके 21 एमएलए पर कार्रवाई क्यों हो रही है, उनकी पार्टी एकजुटता क्यों वो रख नहीं पा रहे, अराजकवादी तत्वों से घिरकर बेबुनियाद जवाब देना, बेबुनियाद आरोप करना, इससे पार्टी नहीं चलती है, झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। ईवीएम मशीन पर ठिकरा फोड़ने के बजाय अपने पार्टी का आकलन उनको खुद को करना चाहिए। लेकिन श्याम जाजू जी, अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि टैम्परिंग के कई तरीके उन्हें पता है और वो ये साबित कर सकते हैं कि टैम्परिंग की गई है ईवीएम में, और इसी वजह से बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव भी जीत रही है और फिर एमसीडी इलेक्शंस भी जीत गई है। अपने पार्टी जब 70 में से 67 सीटें जीतती है तो ईवीएम मशीन ठीक काम करता है, और अपने पार्टी की हार होती है तो ईवीएम मशीन काम ठीक नहीं कर रहा। कोई भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार की ओछी राजनीति करना, इस प्रकार के घटिया स्टेटमेंट देना, ये उनको शोभा नहीं देता। अगर इनकी इतनी ताकत है तो वो प्रूव करे, और जहां आम आदमी पार्टी जीती है वहां टेम्परिंग मशीन, वहां ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहा था। दिल्ली की जनता सोचने वाली